इस फिल्म की कहानी सार्वजनिक रूप में प्रकाशित कुछ घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म के सभी पात्र, नाम, दृश्य, संवाद आदि काल्पनिक है। कहानी को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करने के लिए फिल्मकारों ने सिनेमाई स्वतंत्रता का सहारा लिया। इस फिल्म के निर्माता और फिल्म से जुड़े लोग सभी धर्म एवं समुदायों की संस्कृति, प्रथाएं और रिवाजों का सम्मान करते हैं। इस फिल्म एवं फिल्म में चित्रित पात्रों का उद्देश्य किसी व्यक्ति समूह, समुदाय, जाति, धर्म, संप्रदाय या किसी संस्था या समाज से जुड़े व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने या उनको आहत करने का बिल्कुल भी नहीं है। हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। कथावाचक है, इतना अच्छा कथा वाचन करते हैं, क्या मिलता है इससे? मैं तो ईश्वर विश्वर में नहीं मानता। तो मैंने कहा, भाई ठीक है, तुम्हारा विश्वास नहीं है ईश्वर में, लेकिन तुम्हारा विश्वास जहर में है, बताओ जहर पीने से क्या होता है? तो उसने कहा, डेफिनेटली आदमी मर जाता है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, डॉक्टर कहते हैं। और ऐसी जो घटनाएं घटती हैं, पेपर में पढ़ा है, जहर पी के आत्महत्या कर दी या जहर पीने से किसी की मौत हो गई। तो मैंने कहा, भैया तुम अगर सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हो, तुमने खुद ने तो जहर नहीं पिया है, अनुभव किया है। तो बोला, नहीं, ये तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर की और लोगों की सुनी सुनाई बातों पर अगर तुम्हारा विश्वास है, तो हम लोगों का विश्वास तो ऋषि मुनियों ने जो बात कही है, मेरे कृष्ण ने जो कहा है, उस पर मेरा विश्वास है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे प्रथम धर्म है सनातन धर्म। यह हमारी सनातन परंपरा जो है, वो हजारों वर्ष पूर्व की है। हमारा महाभारत हो या रामायण हो, रामायण से हमें क्या सीख मिलती है? एक आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श पति, एक आदर्श पुत्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए और एक आदर्श शत्रु कैसा होना चाहिए, ये सिखाती है हमें रामायण। और इसलिए हमारे धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। या आजकल के जो बच्चे हैं, वो पश्चिमी संस्कृति से इतने प्रभावित हो चुके हैं, बड़ा चिंता का विषय है। कौन से डे मनाते हैं? रोज डे, प्रपोज डे, फ्रेंडशिप डे, वो क्या कहते हैं उसे, वो मिलते हैं उसे, टू हग, यानी मिलना, हग डे, किस डे, प्रॉमिस डे, फादर मदर्स डे। अरे भैया, मेरी संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति है। उसके लिए कोई डे मनाने की जरूरत नहीं है। माता पिता का स्थान हमारे लिए ईश्वर के समान है। भगवद गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह,
परधर्म में हमें नहीं जाना चाहिए, परधर्म का धारण हमें नहीं करना चाहिए, अर्थात स्वधर्म ही श्रेष्ठ धर्म है। परधर्म में जाना अत्यंत भयानक है। उत्तिष्ट, उठिए, जागिए, हमारी धर्म पताका को सुदृढ़ रखिए। ये हमारा श्रेष्ठ धर्म जो हमें मिला है, उसका संपूर्ण ज्ञान हमारी आने वाली पीढ़ियों को जरूर दीजिए। बस इतनी ही मेरी विनती है। अब सब लोग मेरे साथ गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम। वैकेशन की सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट सनी ने की हो गया अपेरेंटली। अब क्या बताऊं यार, लूज मोशन में जितना पेट खराब नहीं होता होगा, उससे खराब मेरी छुट्टियां रही हैं। जी, वैकेशन पे इतना घटिया कंपैरिजन। ए झूले, कहो बेटा, गर्मी की छुट्टी ठीक ठाक से बताए कि नहीं? ओरे एंदे भाई, तू क्या समझेगा मेरे दर्द को? हाय, का बवासीर हो गया था का? मेरा ग्रुप ना हर बार अपनी छुट्टियां कर देता बर्बाद। कहा है कि बंदर कहा जाने अदरक का सवाल। बिल्कुल। तुम लोगों को ना डी ग्रुप से सीखना चाहिए कि छुट्टियां कैसे मनाते हैं। पता है हम लोग क्या करते हैं? जो इमरान हाशमी करता है ना अपनी फिल्मों में, एक एक मोमेंट को ऐसे एंजॉय करता है। बिल्कुल वैसे। बिल्कुल। ए देव, खुद को इमरान हाशमी समझ रहा है क्या? मिस्टर देव, तो फिर रेस तो बनती है ना? व्हाई नॉट। क्या ना कि बिना रेस के बाइक और बिना केस के वकील दोनों की वैल्यू नहीं होती। आज रेस भी होगी और जीत भी अपनी होगी। अल्फाबेट का डब्लू और इस रेस में बबलू को कोई नहीं हरा सकता। समझे? क्या यार बबलू, इतनी वेटेड एंट्री। एंट्री जितनी मर्जी वेटेड हो, बस इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। चल कोई ना, आज की रेस का है ना जीतकर इससे ना पिछली रेस का बदला लेना है, ठीक है? हमारे बनारस में एक कहावत है कि सांप की पूंछ से गाल नहीं खिंचवाते। का समझे? अरे गुड लक देव। कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाजीराव की तलवार और बबलू की रफ्तार पर कभी संदेह नहीं करते। वैसे स्टाइल बढ़िया लगा तुम्हारा। कीप इट अप। मुझे तो लगा तुम हार ही जाओगे। अबे पागल है क्या? हार और मेरी कभी बनती नहीं। 36 का आंकड़ा है हमारे बीच। कितना? 36 का। Hey guys, listen. आज हम लोग जोशी मैम के साथ एक ऐसा प्रैंक करेंगे ना, जिसके बाद वो अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत और सेक्सी समझने लगेगी। अरे हाँ, आएगा। अरे यार बबलू रहने दे, मत कर, प्रॉब्लम हो जाएगी साले। सच कहा है किसी ने कि दूसरे की बीवी पर लट्टू
और अपने दोस्त भट्टू कभी नहीं होने चाहिए। आजा सनम मधुर चांदनी में हम। Hey guys, listen, लगता है मैम आ गई। Happening? ये क्या बदतमीजी है? Stop it guys! यार तुम लोग कम से कम देख तो लो किसके साथ मजाक कर रहे हो? वो जोशी मैम है भी कि नहीं? अबे जोशी मैम आ गई। Oh my God! Please. तुम्हारे लिए इतने सारे फूल? मतलब कॉलेज शुरू होने से पहले ही कर दी पटने पटाने की भूल। एक बात ध्यान से सुन लो, लेकिन मेरे होते हुए ये सब नहीं चलेगा। Understand, Miss Beautiful? Total wastage of phool because you are all bloody phool. Don't mind, ma'am. But you're looking so cool. Shut up. हाँ तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही थी प्रेम के बारे में। Excuse me. Listen. देखिए understand कि मेरी वजह से आपको काफी दुख पहुंचा। So please मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं करूंगी। अरे अरे कर दीजिए ना। देखिए हम कानपुर वाले बिना गलती के माफी और खाली पेट कॉफी कत्ते बर्दाश्त नहीं करते। कर दीजिए ना माफ। अच्छा तो फिर पीछे क्यों पड़े हो? एक्चुअली ना हमने सारा प्लान हमारी मैम मिसेस जोशी के लिए किया था और अचानक उसी वक्त आप आ गई। जोशी मैम के लिए ऐसी घटिया हरकत, तुम पक्का नर्क में जाओगे। घंटा अब, लेकिन अगर आपने हमें माफ नहीं किया ना तब तो पक्का नर्क में जाने वाले हैं। वैसे तुम्हारी जो हरकत है ना वो माफ करने वाली तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमें क्या, चलो माफ किया। ही करने की जरूरत नहीं है, समझे? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हमें ना ऐसे सबके सामने तमाशा करना या बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके ओके डियर, पर रहेंगे आपके नियर। बाय। यार हीना। हाँ? मैं ना अब लाइफ में सिंगल से डबल होना चाहता हूँ। क्या डबल? हाँ? तुम यार तुझे डबल नहीं डायरेक्ट ट्रिपल होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो इंडिया में तो तुझे लड़की मिलेगी नहीं। हाँ, अच्छा? तेरे लिए बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हाँ। अबे तू है ना पगलायन। अबे तू पागल है, मैं तुझे भाईजान बुलाती हूँ, भाईजान। तू भाईजान से भाई निकालकर अपनी जान बनाने में फोकस कर, देख फायदे में रहेगी। और वैसे भी मेरे सिवा इस दुनिया में तेरे साथ शादी करेगा कौन? सही कहा ना? देख सोच ले, अगर तूने मुझे अपना पति बना डाला तो 9 लाख 9 लाला पूरी लाइफ करेगी जिंगा लाला। जिंगा लाला, जिंगा लाला, पति बनोगे मेरे? अबे बना दूँगा। क्या कुछ भी। अरे तुम लोग तो मस्ती कर रहे हो और बबलू पता नहीं किस सोच में डूबा पड़ा है। ओए बबलू, अब तो कोरोना की वैक्सीन भी आ गई, यार तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार, साक्षी के बारे में सोच रहा था। कितनी अच्छी लड़की है ना वो। साक्षी? यार कल हम लोग की वजह से उसको कितना बुरा लगा होगा ना। ओहो तो उसके बारे में सोच रहे, पर एक बात तो सच्चाई है कि वो इसको घास भी नहीं डालती है। बिल्कुल बिल्कुल। घंटा मैं चाहूँ ना तो उसे एक हफ्ते में पटा लूँ। अगर नहीं पटी तो? डोंट वरी, हम कानपुरिया लोग गुटखा खाकर नाली पाटना और लड़की पटाना बहुत अच्छे से जानते हैं। देखते हैं, अगर साक्षी तुझसे नहीं पटी तो हम सबको देहरादून की ट्रिप करानी पड़ेगी। पक्का पक्का, प्रॉमिस मेरी तरफ से। प्रॉमिस? प्रॉमिस। I'm so sorry. Thank you. Thank you. मैं जाऊँ? हाँ।
अरे वाह, आप नरेश दत्त जी को पढ़ रही हैं, क्या बात है। स्वामी विवेकानंद जी। सन 1863 कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद जी मेरे पसंदीदा फिलोसोफर हैं। शिकागो की एक धर्म संसद में अंग्रेजी समझने वालों के बीच एक भाषण देते हुए स्वामी जी ने यह कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, जिन्होंने दुनिया को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। और हम सिर्फ सहनशीलता में ही नहीं विश्वास रखते हैं, बल्कि विश्व के सभी धर्मों को एक समान सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मैं तो कहता हूँ, अगर कोई दुनिया को जीवन में शांति, सद्भाव, परोपकार का पाठ पढ़ा सकता है, वो एकमात्र भारतवर्षी है। भारत का गौरव और हिंदू धर्म के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त जी ही है। और यही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेजिंग यार, आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हो। किसने दिखाया ये ज्ञान का मार्ग? भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों ने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। चलो, ये बात तो आज क्लियर हो गई कि तुम वो हिंदी फिल्मों के विलन होते हैं ना, बैडमैन टाइप्स, बिल्कुल नहीं। वैसे बंदे को पूरे कॉलेज में बबलू के नाम से जानते हैं। साक्षी, फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स, नेकी और पूछ। लेकिन ये दोस्ती तभी मंजूर होगी अगर कल सुबह आप 10 बजे हमारा बास्केटबॉल मैच देखने आएंगे।